हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक मेनबोर्ड आईपीओ की डिमांड देखने को मिल रही है मार्केट में। क्या करती है कंपनी और हमें उसमें क्या करना है, अप्लाई करने का है या नहीं, डिमांड आने का रीजन क्या है, सबके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो में एंड तक सब कुछ जानने के लिए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। सभी आईपीओ के रिव्यूज आपको यहाँ मिल जाएंगे विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग के साथ। कंपनी का नेम प्लाज़ा वायर्स लिमिटेड है। कंपनी की शुरुआत 2006 में हुई थी। इनका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ वायर्स, एलएनटी एल्युमिनियम केबल्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स का है। ये बेसिकली दो ब्रांड से काम करती है, प्लाज़ा केबल्स एंड एक्शन वायर। वैसे इस कंपनी का पहले नेम नवरत्न वायर्स था। कंपनी सभी तरह के वायर्स बनाते हैं एंड साथ में ये केबल प्रोडक्ट्स के भी मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ सभी प्रोडक्ट्स के नेम मेंशन करे हुए हैं। अगर आप पढ़ना चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। 2021 ईयर में इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट को एक्सपेंड किया है, उसमें सर्किट ब्रेकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स को एड करके। ये हो गया बिजनेस का ओवरव्यू। आइए फाइनेंशियल्स देखते हैं कंपनी के। एसेट्स 99 करोड़ से 112 करोड़ के हो गए हैं दो सालों में। नॉर्मल ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू भी फाइनेंशियल ईयर 2021 में 145 करोड़, देन 2022 में 176 करोड़ एंड 2023 में 182 करोड़ जनरेट किया गया है। प्रॉफिट भी सेम इसी स्पीड से ग्रो हुए हैं, 4 करोड़, देन 6 करोड़, देन 7.5 करोड़। रिजर्व एंड बोरोइंग पास ही है। रिजर्व 35 करोड़ है एंड बोरोइंग 43 करोड़ है। कंपनी ग्रोथ कर रही है, बस रीजनेबल सी ग्रोथ है। ये आईपीओ ओपन 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रहेगा। प्राइस बैंड 51 से 54 रुपीस पर शेयर का रखा गया है। कट ऑफ प्राइस 54 का यूज करना है एप्लीकेशन में। लॉट में 277 शेयर है। टोटल इश्यू का साइज सिर्फ 71.28 करोड़ का ही है। इस आईपीओ के रिव्यू में ये लग ही नहीं रहा कि मेन बोर्ड आईपीओ का रिव्यू हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि एसएमई आईपीओ का ही रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि साइज देखा आपने 71 करोड़। इतना साइज तब तो एसएमई आईपीओ भी आ जाते हैं। 60 करोड़ के करीब के तो काफी सारे एसएमई आईपीओ हमने देखे ही हैं। साइज बहुत ज्यादा ही कम है, इस पॉइंट को नोट रखना, वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। 75% का पोर्शन तो क्यूआईबी एंड एंकर इन्वेस्टर के पास में है। एचएनआई के लिए 15% दिया गया है एंड बचा हुआ 10% रिटेल कैटेगरी को दिया है। आई होप आपको ये पता होगा कि एचएनआई में दो कैटेगरी होती है, स्मॉल एचएनआई एंड बिग एचएनआई। ये जो 15% एचएनआई का है उसमें से बिग एचएनआई का 10% है एंड स्मॉल एचएनआई का 5% होता है। ओके, पूरा टाइम टेबल देख लेते हैं इस आईपीओ का। ओपन 29 सितंबर को हुआ है, क्लोज 5 अक्टूबर को होगा, अलॉटमेंट डिसाइड 10 अक्टूबर को, रिफंड इनिशिएट 11 अक्टूबर को, शेयर अकाउंट में 12 अक्टूबर एंड लिस्टिंग इस आईपीओ की 13 अक्टूबर को होगी। लॉट साइज कैसे कैसे हैं वो भी समझ लेते हैं। रिटेल कैटेगरी की एप्लीकेशन 14,958 रुपए की एक लॉट के लिए। स्मॉल एचएनआई के लिए 2,09,412 की है 14 लॉट के लिए। वहीं बिग एचएनआई की 10,02,186 की एप्लीकेशन है 67 लॉट के लिए। अब करते हैं फाइनल और मेन सेगमेंट पे बात, कि आखिर करना क्या है, कितना पैसा बन सकता है। इस आईपीओ का साइज काफी छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से अलॉटमेंट चांसेस कम होने वाले हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो रिटेल कैटेगरी में सिर्फ 4,765 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाला है। स्मॉल एचएनआई में 170 लोगों को मिलेगा, बिग एचएनआई में 340 लोगों को मिलेगा। यहाँ भी आपको रिटेल कैटेगरी में 4,765 काफी सही लग रहा होगा, बट ये बहुत कम है। जो अभी जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ आया था
उसने रिटेल कैटेगरी में 186,741 लोगों को अलॉटमेंट मिला है। तो देख लो कि मेन बोर्ड आईपीओ के हिसाब से इस आईपीओ का कितना कम है। एंड इस कंपनी के फाइनेंशियल तो ठीक ठाक से हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो डिमांड आ रही है इसमें, और साइज कम के कारण डिमांड इसके प्राइस को ऊपर लेकर जाएगी। ये सिंपल सा फंडा है, इसलिए प्रीमियम चल रहे हैं 44% के। अभी तक का सीन देखें तो इसको कंसीडर किया जा सकता है, बट फिर भी सेफर साइड के लिए अप्लाई लास्ट में ही करना। इसमें लगता नहीं है कि प्रीमियम ज्यादा डाउन जाएंगे, 20% के ऊपर रहे तो भी अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। बाकी आपको डेली सभी आईपीओ के ऊपर अपडेट्स लाइक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन शेयर कर दिया जाता है टेलीग्राम चैनल में। आई होप आपने उसको ज्वाइन करा हुआ होगा, नहीं किया तो फटाफट कर लो, अदरवाइज बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आपको यहाँ वहां कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको अपने आप ही एक जगह मिल रहा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इन दिनों आईपीओ काफी ज्यादा आए हैं, एक साथ 5-6 आईपीओ ओपन हो रहे हैं, तो सब में ध्यान से रिव्यू देखने के बाद सोच समझ कर अप्लाई करना चाहिए। रिव्यू एंड स्ट्रेटजी आपको सभी आईपीओ के ऊपर हमारे चैनल पे मिल जाएगी, देख लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाले वीडियोस के लिए। ज्यादा से ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन करके रखिए, जिससे ज्यादा एप्लीकेशन लगा सको एंड अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। कुछ क्वेरी हो तो अभी नीचे कमेंट कर देना, किसी भी आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है तो भी कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर, थैंक्स एवरीवन।